और हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक कम में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको कहता हूँ कि गाइस अभी 900 प्लस सब्सक्राइब क्रॉस हो चुके हैं, तो गाइस उसके लिए मैं बहुत आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और गाइस, अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहो। तो गाइस, 900 सब्सक्राइबर मेरा पूरा हो चुके हैं और गाइस मैं आज उसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ गाइस। तो गाइस, ऐसे में रियलमी की टॉपिक में वीडियो हमेशा बनाता रहता था, तो मेरा 900 सब्सक्राइबर पार हो चुके हैं। चलो गाइस, अभी मैं वीडियो के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अपना प्राइवेट सेफ में फ़ोटो रहेगा और गाइस वो फोटो में अपना पासवर्ड अलग रखना है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। जैसे कि स्क्रीन लॉक में भी दूसरा पासवर्ड अब उनको चाहिए और प्राइवेट सेफ में भी पासवर्ड दूसरा चाहिए। जैसे कि कभी कोई ना कोई अपना मोबाइल चेक कर लेते, जैसे कि कोई भी पासवर्ड लॉक स्क्रीन पासवर्ड तो सब लोग को पता ही रहता है, घर वाले को, और प्राइवेट सेफ का भी पासवर्ड सेम रहता है तो वो भी पता चल जाता है। तो गाइस, उसका पासवर्ड कैसे अलग से चेंज करें, दोनों का दोनों पासवर्ड अलग अलग हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखो। चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे अब उनको चेंज कर सकते हैं प्राइवेट सेफ में पासवर्ड। तो चलो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ आपको। तो गाइस, अभी मैं चलो आपको दिखाता हूँ कि कैसे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे लॉक स्क्रीन में भी दूसरा रहेगा और गाइस अपना जो प्राइवेसी पासवर्ड में भी अलग रहेगा और प्राइवेट सेफ का भी अलग रहेगा। तो गाइस, मैं भी लॉक खोलता हूँ स्क्रीन लॉक, तो मेरा पहले से ए लॉक है, देखो अभी दूसरा पैटर्न है और मेरे को प्राइवेट सेफ में दूसरा रखना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेटिंग में ले चलता हूँ आपको। सेटिंग में ले चलने के बाद आपको सीधा स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है और वापस उधर फिंगरप्रिंट एंड फेस पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चार ऑप्शन दिखेगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। तो आपको प्राइवेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। प्राइवेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो भी पासवर्ड चुना रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है, ऐसे कि जैसे कि मैंने ये रखा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इधर आप उनको चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको पहले वाला पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आप उनके जो भी पैटर्न और पासवर्ड और नंबर और चॉइस करने के लिए इधर मेथड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो भी क्लिक करने हो क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी ये पैटर्न क्लिक करता हूँ, तो मैं अभी ये वाला डाल देता हूँ। जैसे कि मैं अभी ये वाला डाल देता हूँ, दो बार डालना रहेगा, तो मैं डाल दिया, तो मेरा अभी प्राइवेट सेफ का वो पासवर्ड हो गया। देखो अभी इधर नीचे प्राइवेट सेफ लिखा है, उस पर भी मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अभी इधर ऐसा करेगा तो प्राइवेट सेफ का इस तरीके से पासवर्ड खुलेगा। तो गाइस, अभी मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि प्राइवेट सेफ में फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो। प्राइवेट सेफ में फिंगरप्रिंट लगाना रहेगा तो इसके ऊपर क्लिक करना है, फिंगरप्रिंट के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपना जो भी पासवर्ड रहेगा वो डाल देना है आप उनको पहले। उसके बाद आप उनको यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर, मतलब किस में आप उनको फिंगरप्रिंट यूज़ करना है। तो प्राइवेट सेफ में यूज़ करना रहेगा तो इसके ऊपर क्लिक कर देगा तो ये वाला इनेबल कर देगा तो अपना चालू हो जाएगा। तो गाइस, ये वाला प्राइवेट सेफ का चालू हो जाएगा आप उनका फिंगरप्रिंट। और ऐप लॉक का चालू करना रहेगा तो ऐप लॉक का भी कर सकते हो। और गाइस, अब उनका अनलॉक का करना रहेगा तो अनलॉक का भी कर सकते हो। तो अभी मैं बैक लगाता हूँ और गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा दोनों में चेंज हो गए। अभी देखो मेरा स्क्रीन लॉक में दिखाता हूँ आपको, मेरा स्क्रीन लॉक में ये वाला पासवर्ड है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला मेरा स्क्रीन लॉक में। और गाइस, अभी मेरा प्राइवेट सेफ में दूसरा पासवर्ड रहेगा। अभी मैं प्राइवेट सेफ में आपको दिखाता हूँ सिक्योरिटी में जाकर। अभी ये गया मेरा प्राइवेट सेफ और गाइस उसमें ये वाला मेरा पासवर्ड आ गया। तो थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में इतना। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और शेयर कर दो और मेरी वीडियो पे कमेंट कर दो।